आलू मटर तो आपने बहुत बार बनाया होगा और खाया होगा, लेकिन आज जो ये आलू मटर की रेसिपी लेकर आए हैं, ये देखने में ही नहीं स्वाद में भी बेहद लाजवाब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम ये टेस्टी सी सब्जी बनाएंगे जैसे शादियों में बनता है, बिल्कुल हलवाई जैसा, लेकिन घर के मसालों से। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे, इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा जब हमारा चटक जाएगा तो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं हमारे पास, लौंग है, इलायची है, तेजपत्ता है, सबको डाल देते हैं। बस मिर्च को नहीं डालेंगे, मिर्च को बाद में डालेंगे। जब सारे मसाले अच्छे से चटक जाएंगे तो इसमें सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पे खुशबू के लिए हम हींग डाल देते हैं। अब 2 प्याज को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, इसको डाल देते हैं। प्याज को हल्के हाथ से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। जब हल्की आंच पे भूनते हैं तो प्याज में अच्छा कलर आता है, प्याज में हल्का गुलाबी कलर आता है, तो सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, इस वजह से हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे भूनते हैं। प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जो हमारे घर में डेली सब्जी में यूज होता है, नॉर्मल मसाला है, धनिया है, जीरा है, गोल मिर्च है, इसका पाउडर है, सबको डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, इससे कलर अच्छा आता है। बाहर का मसाला कुछ भी नहीं है, ना इसमें किचन किंग डालेंगे, ना किसी तरह का कोई भी मसाला हम ऐड नहीं करेंगे, बस नॉर्मल जो सब्जी में मसाला डेली यूज होता है उसको डाल देंगे। इसमें 1/2 छोटे चम्मच तीखी लाल मिर्च डाल देते हैं। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं। अब इसको कुछ देर भून लेते हैं। ऐसे ही सूखे मसाले जब हम तेल में भूनते हैं तो मसाले अच्छे से भून पाते हैं, इसलिए अभी कुछ और नहीं मिलाएंगे, पहले मसालों को हम भून लेते हैं। बहुत देर नहीं, ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो ये जल जाएंगे, बस इसको 30 सेकेंड के लिए भून लेते हैं। मसाले अच्छी तरह भून गए हैं, इसके बाद हमारे पास हरा मटर है, इसको डाल देंगे और कुछ देर दोस्तों हरा मटर को भी हम भून लेंगे तो सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मटर हमारा भी अच्छे से पक जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो मटर हमारा आसानी से पकेगा। नमक डालने के बाद इसको ढक्कन लगा कर ढक के हम 1 मिनट तक पकने देते हैं। जब मटर हमारा अच्छे से पक जाता है तो कुछ देखिए इस तरह का कलर आ जाएगा, मटर ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं पकने के बाद। मटर को भी हमने अच्छे से भून लिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। इसके बाद हमारे पास टमाटर है पिसा हुआ, ये 2 टमाटर है, इनको डाल देंगे और उसको भून लेंगे। टमाटर को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए गैस यहाँ पे हम तेज रखेंगे और जल्दी भून लेंगे इसको। सब कुछ हमारा मसाला भुना हुआ है पहले से, बस अब टमाटर को भून लेते हैं। टमाटर को भूनने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे। टमाटर देखिए हमारा अच्छे से भून गया है, क्वांटिटी में कितने ये कम हो गया है इससे आपको पता चल गया होगा, और तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है। इस मसाले के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, इसको मसाले के साथ ही हम भून लेंगे तो धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। धनिया डाल के अच्छे से इसको भून लेते हैं। इसके बाद इसमें 2 चम्मच हम फेटा हुआ दही डालेंगे, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। वैसे तो टमाटर हमने यूज किया था तो दही की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दही डालने से सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए दही का इस्तेमाल किए। आलू है उबला हुआ 6 बड़े साइज का, इसको हम हाथों से ऐसे ही तोड़ लेते हैं। हमारे गाँव में जब भी सब्जी को बनाया जाता है तो बस आलू को तोड़ते हैं, काटते बिल्कुल भी नहीं। सब्जी का बहुत टेस्ट आएगा, जो आलू टूट के बारीक निकलेगा वो ग्रेवी अच्छी बनेगी इस वजह से, और बड़े आलू में अच्छे से मसाले जाते हैं जब तोड़ के हम आलू डालते हैं। तो आप जब भी इस तरीके की सब्जी बनाएं तो आलू को तोड़ के बनाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आलू को डाल देते हैं, इसके बाद इसको भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं, जैसी ग्रेवी आपको चाहिए। हम 1 बड़ी कटोरी पानी इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक हमने पहले भी डाला हुआ था तो ध्यान में रखेंगे। नमक डालने के बाद इसमें गरम मसाला डाल देंगे, बस अच्छे से उबाल आएगा और हमारा सब्जी बनके तैयार हो जाएगा। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए टेस्टी शादी वाले सब्जी को एंजॉय करते हैं रोटी या पराठे के साथ, और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।